आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भविष्य बताने वाले का एक दिन खुद ही भविष्य बदल गया, और वो भी महज एक मुलाकात से। बात कर रहे हैं IAS पूजा सिंघल के CA की, जिनका नाम है सुमन कुमार। सुमन पहले पेशे से ज्योतिषी थे। जी हाँ, सुमन पहले लोगों को उनके भविष्य की जानकारी दिया करते थे, और उसके बाद साल 2008 में जैसे ही उनकी CA की पढ़ाई कंप्लीट हुई, वो बिहार से रांची आ गए, और यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई किसी और से नहीं बल्कि हाल फिलहाल में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से। और इस मुलाकात के बाद सुमन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जानकारी दे दें कि पूजा सिंघल के करीबियों के घर जब छापेमारी हुई तो इसमें सुमन कुमार का नाम भी शामिल था, जहां पर ईडी को उनके घर से 17 करोड़ 60 लाख रुपए मिले, जिनकी जानकारी पूरी तरह से सुमन अभी तक ईडी को नहीं दे पाए हैं। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ब्लैक मनी हो सकता है, जिसे व्हाइट में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी CA की हो। वेल, आपको बता दें कि ज्योतिषी से CA बने सुमन कुमार का भविष्य इन दिनों बेहद खतरे में है, क्योंकि अभिषेक झा और उनकी पत्नी, इन दोनों के साथ सुमन के तार सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, और ऐसे में अगर ये दोनों अपराधी साबित हुए तो सुमन का नाम भी कहीं पीछे नहीं रहेगा। तमाम और खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।